हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसा कारगर घरेलू नुस्खा लेके आए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, हमारे स्किन को गोरा कर देगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी स्किन डल हो चुकी है, आपकी स्किन बेजान हो चुकी है, आपकी गतिविधियाँ ऐसी हैं कि आपको जैसे धूप में ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन पर काली गंदा मैल जम गया है, आपकी स्किन सांवली रंगत हो गई है, तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो है। आपकी स्किन अगर रूखी सूखी भी है तब भी आपके लिए ये वीडियो कारगर है। तो दोस्तों, इस नुस्खे को मैं जो बनाऊंगा वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, आजमाया हुआ है, तो इसको आप एक बार इस्तेमाल करेंगे उसी से आपको फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देर किस बात की शुरुआत करते हैं, लेकिन नुस्खा मैं शुरू करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक साफ बाउल लेते हैं और साफ बाउल के अंदर हमें क्या करना है, हमें एक चम्मच एलोवेरा जेल मिला लेना है। दोस्तों, एलोवेरा जेल की प्रॉपर्टी बता देता हूँ मैं आपको। एलोवेरा जेल के अंदर काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि क्या होता है, विटामिन्स होती हैं, वह इसके अंदर काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं जो क्या करती हैं, हमारी स्किन को ब्राइट करने का काम करती हैं, हमारी जो स्किन को जो रोम छिद्र होते हैं उनको क्लीन करने का काम करती है, उनको सफाई करने का काम करती है। हमारी स्किन पर जो पिंपल्स हो जाते हैं, जो हो जाते हैं आपके ऑयली स्किन की वजह से हो जाते हैं और कीटाणु वगैरह जम जाते हैं, तो उनको भी क्लीन करता है, साफ करता है। तो इस तरीके से हमारे चेहरे के दाग धब्बे होते हैं उनको भी हटाने का काम करता है। तो हमें क्या करना है, हमें करीब एक चम्मच मात्रा इसकी एलोवेरा जेल की बाउल के अंदर ले लेनी है। दोस्तों, इसकी क्वांटिटी की बात की जाए तो आप इसकी क्वांटिटी को कम ज़्यादा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद में बात आती है दोस्तों विटामिन ई के कैप्सूल की। विटामिन ई का कैप्सूल क्या करता है कि हमारे स्किन को ब्राइट करने का काम करता है, हमारे स्किन को जो रोम छिद्र होते हैं उनको टोन करने का काम करता है, उनको एक्टिवेट करने का काम करता है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो स्किन होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, हमारे स्किन के जो सेल होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें विटामिन ई का कैप्सूल लेना है और इसको हमें करना क्या है, इसको हमें पंचर कर देना है। और पंचर करने के बाद में दोस्तों इसका जो लिक्विड है उसको हमें बाउल के अंदर मिला लेना है, देखिए इस तरीके से। और इसको दोस्तों मिलाने के बाद में आपको क्या करना है, आपको एक चम्मच मात्रा लेनी है गुलाब जल की। गुलाब जल दोस्तों गुलाब की पंखुड़ियों से मिलकर बना होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट करता है हमारी स्किन को, हमारी स्किन को एक तरह से ब्लीचिंग का भी काम करता है इस तरह से। तो इससे क्या होता है कि हमारी स्किन को गोरा करने में हेल्प काफ़ी ज़्यादा करता है ये। तो इस तरीके से हमें एक चम्मच गुलाब जल की मिला ली है। दोस्तों, गुलाब जल तो वैसे भी आप जब भी कभी फालतू बैठे हों तब भी आप अपनी स्किन पर गुलाब जल को लगा सकते हैं, इससे आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा गोरी हो जाती है और स्किन आपकी एक्टिवेट हो जाती है। एक तरह से माउथ फ्रेशनर का काम करता है, फेस फ्रेशनर का काम करता है। और इसको आप प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। तो दोस्तों, इसके अंदर विटामिन ई का कैप्सूल, एलोवेरा जेल और गुलाब जल तीनों इसके अंदर मिल चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितने सिंपल लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल लग रहा है देखने में, काफ़ी लिक्विड सिंपल लग रहा है, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, कारगर होता है। और ये इतना ज़्यादा कारगर होता है कि आप खुद ही इसको एक बार ला के देख लीजिए तो आपको फ़ायदा अवश्य देखने को मिल जाएगा। अब बताते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। इसको दोस्तों अप्लाई करने के लिए सिंपल है, आपको कॉटन बॉल लेनी है और कॉटन बॉल लेकर के आपको क्या करना है, इसके अंदर डिप करना है, इसके अंदर इस तरीके से डिप कर दीजिए और आपको क्या करना है, अपने चेहरे पर इसकी मसाज करनी है। आपको हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से मसाज करनी है और आपको करीब 3-4 मिनट तक मसाज करनी है, जिससे क्या होगा कि आपकी जो स्किन का जो गंदा काला मैल है वो हट जाएगा और आपकी स्किन की जब स्क्रब हो जाएगा एक तरह से इस तरीके से, तो आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। आप इसको पकड़ के देखेंगे तो आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा चिकनी सॉफ्ट हो जाएगी। चिकनी से मतलब मेरा ऑयली नहीं है, आपकी ऐसी स्किन हो जाएगी, आपकी होता है रफ होती है ना, चिकनी स्किन हो जाएगी काफ़ी। आप खुद इसको लगा के देखिएगा और आप फायदा आपको खुद दिख जाएगा और आपकी जो स्किन होगी वो भी इसका जो काला गंदा मैल है वो भी हट जाएगा। तो देखने को एक ओवरऑल इसके काफ़ी ज़्यादा फायदे होते हैं, आप इसको आजमाइए। तो दोस्तों, इसको वीक में आपको 2 बार करना है। ऐसा करने से आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा टोन हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी और आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा गोरी हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो, मेरा नुस्खा कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।